हेलो गाइस, हिंदी साहित्य विशेष की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं, कवि एवं रचनाएं, वीर गाथा, काव्यधारा, वीर गाथा काल अथवा आदिकाल। इसकी विशेषता है रासों ग्रंथों की रचना, वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएँ। कवि चंद्रवरदाय पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता कृति पताका। भक्ति काल का निर्गुण काव्यधारा या भक्ति धारा, संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय शाखा। इसकी विशेषता है निराकार परमात्मा का उपासना भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति पाति के भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं बाह्याचार्यों की आलोचना। कवि हैं संत कबीर, बीजक कबीर ग्रंथावली, नानक देव, गुरु ग्रंथ साहिब। सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रय शाखा। इसकी विशेषता है प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मक अतिशयोक्ति, फारसी मसनवी पद्धति। ये अक्सर पूछा जाता है फारसी मसनवी पद्धति किस काव्यधारा की विशेषता है, तो सूफी काव्यधारा। इसके कवि हैं जायसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम इनकी रचना है, उस्मान, चित्रावली। सगुण काव्यधारा या सगुण भक्ति धारा राम भक्ति काव्यधारा की विशेषता, दास्य भाव की प्रधानता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग। कवि हैं तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, अग्रदास, रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी। कृष्ण भक्ति धारा। इसकी विशेषता है श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सखा भाव की भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, भावुकतापूर्ण सरलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। इसके कवि हैं सूरदास, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, नंददास, भंवर गीत, रस मंजरी, वीरह मंजरी। रीतिकालीन काव्य। इसकी विशेषता है श्रृंगार रस की रचनाएं, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग। कवि हैं केशवदास, जहांगीर, जसचंदिका, रतन भावनी, कवि प्रिया, इनकी रचना है बिहारी, बिहारी सत्सई। आधुनिक काल भारतेंदु युगीन काव्य। इसकी विशेषता राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। भारतेंदु हरिश्चंद, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, वनाष्ट, प्रेम घन, वर्षा बिंदु। द्विवेदी युगीन काव्य। इसकी विशेषता है यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। इसमें प्रतीकात्मकता अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। द्विवेदी युगीन की विशेषता है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, वैदेव वनवास, चुपते चौपते। मैथिलेश्वर गुप्त की रचना है साकेत, अनग, यशोधरा, द्वापर। द्विवेदी युगीन रचना है छायावादी काव्य। इसकी विशेषता है रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। इसके कवि कवित्री हैं महादेवी वर्मा, निर्जा, निहार, संधिनी, सप्तपर्ण, इनकी रचना है प्रगतिवादी काव्य। इसकी विशेषता है परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, सामाजिक विषमताओं का चित्रण। रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जूही की कली बेला, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथि, परशुराम की प्रतीक्षा। प्रयोगवादी काव्य और नई कविता। इसकी विशेषता घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों एवं प्रतीकों की नवीनता। इसके कवि हैं अज्ञेय, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ पर, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश।